सो फाइनली जो हम लोग सीरीज फॉलो कर रहे हैं अनऑफिशियल सीयूटी पीजी कट ऑफ का, उसमें आज डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू एमए एआईएससी। ध्यान देना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, आप बीएचयू में एमए हिस्ट्री भी कर सकते हो और एमए एआईएससी भी कर सकते हो। एआईएससी मतलब एंशियंट हिस्ट्री से, और बाकी जो एमए हिस्ट्री है ओनली उसमें आप तीनों हिस्ट्री जो होता है, यानी उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी होगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी होगा, एंशियंट भी होगा, मिडावल भी होगा, उसमें सब होता होगा। लेकिन ये स्पेशल एआईएससी है, इसमें आर्कियोलॉजिकली मेथड से जो आप एमए करते हो एंशियंट हिस्ट्री का, उससे रिलेटेड है। इसमें क्वाइन वगैरह और माइनिंग वगैरह, खनन, इन सब चीजों के बारे में जो पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो ध्यान देना कि हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो किसका है, एआईएससी का है, एमए हिस्ट्री का नहीं है। एमए हिस्ट्री का भी मैं ले आऊंगा, ठीक है। और ये अनऑफिशियल है, लेकिन ये किस पे बेस्ड है, ऑफिशियल लास्ट ईयर कट ऑफ के रेफरेंस पे है। ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो ये लास्ट ईयर का फर्स्ट राउंड कट ऑफ है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये कट ऑफ कई मेथड पे बेस्ड है, अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग प्लीज चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और आज का ये कट ऑफ आप लोग डिस्कस कर लिए। जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इसमें पीएच के बच्चे अगर कुछ देख रहे होंगे तो प्लीज आप कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आपका स्पेशली वहां पे टाइप कर दूंगा, ठीक है। अब देखो जनरल में लास्ट ईयर का जो रहा है टोटल मार्क्स रहा है वो 400 रहा है। कितना रहा है? 400 रहा है। लेकिन इस बार का कितना है? इस बार का 300 है। कहने का मतलब ये है कि पहले आपके पेपर होते थे 100 क्वेश्चंस के, अब आपका पेपर हो गया है 75 क्वेश्चन, यानी बस डोमेन, आप वो एप्टीट्यूड नहीं देते हो। तो ये वाला जो है ये मैंने कन्वर्ट किया है 300 में, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है 400 में। तो लास्ट ईयर जनरल के लिए 192 पे फर्स्ट राउंड कट ऑफ एफएमसी, यानी आपको डीएमसी मिल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, उस गेट के अंदर जो बीएचयू आपको दिखाई देता है, एफिलेटेड कॉलेज बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इस बार मेरे हिसाब से कोई बच्चा अगर 150 प्लस ले आता है आउट ऑफ 300, 50% मार्क्स अगर आप ले आते हो, तो मेरे हिसाब से आपको डीएमसी मिल जाएगा, ठीक है, डीएमसी मिल जाएगा। उसी तरीके से ओबीसी अगर आप 140 प्लस ले आते हो तो आपको डीएमसी मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस देखा जाए तो 145 प्लस ले आते हो आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप एससी हो 130 ले आते हो तो आपको मिल जाएगा, और 100 ले आते हो एसटी तो आपको मिल जाएगा। एसटी और भी अप डाउन हो सकता है, एसटी एससी को छोड़ ही दो, इन लोग का अप डाउन बहुत होता रहता है, मतलब कम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आपको समझाना है कि क्या सर जो आपने ये कट ऑफ डिस्कस किया है ये और भी नीचे जाएगा या बढ़ सकता है? देखो लास्ट ईयर का जो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, बच्चों का जो व्यू आया ग्राउंड रिपोर्टिंग में वो पेपर हार्ड का है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ये कट ऑफ काफी काफी ज्यादा, मतलब एक तरह से हार्ड है, मतलब बहुत ही कम चला गया है, समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये कट ऑफ मैंने इसी पे बेस्ड किया है। अब इस बार का पेपर अगर इजी होगा तो ये कट ऑफ जो है क्या हो जाएगा, ये कट ऑफ और हाई हो सकता है। अभी तो फिलहाल ये कट ऑफ मॉडरेट में है देखा जाए तो, मतलब आराम से बच्चा अगर इतना पास जाएगा तो उसको एडमिशन बीएचयू में मिल जाएगा। लेकिन ये कट ऑफ डाउन हो सकता है कि नहीं, अगर कोई पूछेगा डाउन हो सकता है कि नहीं, मतलब और भी डाउन हो सकता है क्या, और भी इसमें मार्क्स कम हो सकता है क्या? भाई देखो लड़कियों के लिए ऑप्शन है, इनके पास बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज है, समझ रहे हो ना, गर्ल्स के पास और भी ऑप्शन बीएचयू में है और भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, तो इनका 20 नंबर ऐसे भी आप कम करके चलो। और उसमें भी ये अभी जो राउंड है ये कम से कम आपका राउंड 5 तक घटता है, ये जितनी भी है ना ये 5 राउंड तक घटता है बस डीएमसी के लिए, यानी बस बीएचयू मेन कैंपस के एडमिशन के लिए, और उस 5 राउंड के बाद आपका एफिलेटेड शुरू होता है। तो आप मिनिमम 20 नंबर आराम से घटा सकते हो लड़कियां एफिलेटेड पढ़ना चाहती हैं तब, बाकी डीएमसी वाले इसमें 10 नंबर और गिरा के भी अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटी या सोच सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी ये कट ऑफ डिस्कशन से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपका एडमिशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सो गाइस प्लीज ध्यान देना कि ये अनऑफिशियल है, जब आपका फाइनल आंसर के बाद जब कैलकुलेट कर लेना तो इसी वीडियो में आप कॉमेंट करना, फिर मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, क्योंकि टॉपर लास्ट ईयर जो था ना वो लगभग कितना था, 245 था लास्ट ईयर, आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 245 कम से कम था, और स्टार्ट ही हो रहा है 192 से। अब इस बार का कितना जा रहा है टॉपर, कितने लोग टॉपर में जा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं कि जब रिजल्ट आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताओगे अपना नंबर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ओके।